नमस्कार दोस्तों, क्या कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप? आयोजकों ने दिया है जवाब दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन आप ICC T20 वर्ल्ड कप को पसंद करते हो और आप चाहते हो कि ICC T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम अपने नाम करे, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना वायरस अपना कहर पूरी दुनिया पर बरपा रहा है। इस महामारी की वजह से IPL पर अभी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। काफ़ी सारे खेल इस बीमारी की वजह से आगे के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे थे कि क्या अन्य खेल की तारीखों के टकराव की वजह से ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर कोई असर पड़ेगा। दरअसल COVID-19 महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल लीग AAFL और नेशनल रग्बी लीग आयोजन को स्थगित कर दिया गया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इन प्रमुख टूर्नामेंट के आयोजन नई तारीखें T20 वर्ल्ड कप के तय कार्यक्रम से टकरा सकती है। इस पर T20 वर्ल्ड कप आयोजन समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक हॉकलीम का मानना है कि फुटबॉल एवं रग्बी जैसी अन्य प्रमुख प्रतियोगिताओं के 7 तारीखों के टकराव के बावजूद यह वर्ल्ड कप अपने समय पर आयोजित होगा। हॉकली ने कहा कि इन सभी टूर्नामेंट के स्थगित होने से वर्ल्ड कप बहुत ही बड़ा खेल आयोजन होगा। इसके दोबारा यहां आयोजित होने में 10 से 20 साल लग सकते हैं। लोग वर्ल्ड कप से प्यार करते हैं और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है और T20 ऐसा फॉर्मेट है जिसे बड़े पैमाने पर लोग देखते हैं। वर्ल्ड कप की टिकट बिक्री को लेकर हम काफ़ी उत्साहित हैं और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ महिला वर्ल्ड कप भी काफ़ी सफल रहा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहूँगा।